दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईपीएल 2024 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर और हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने अपनी अपनी टीमों की खतरनाक मजबूत फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। आज शाम को होने वाले इस महामुकाबले के लिए दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 तैयार हो गई है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सेमीफाइनल मुकाबले के लिए केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर और हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन से 11 खतरनाक खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है। दोनों ही टीमों की आज शाम के मुकाबले के लिए क्या रहने वाली है फाइनल प्लेइंग 11, कौन सी टीम किस पर भारी पड़ने वाली है, सारी जानकारी आपको हम विस्तार से बताएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आज के इस मुकाबले में बारिश हुई तो फिर क्या होगा, कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, केकेआर या हैदराबाद कौन सी टीम सेमीफाइनल में बाजी मारकर फाइनल में प्रवेश करेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे वक्त का इंतजार करने के बाद हमें फाइनली चार टीमें प्लेऑफ के लिए मिल चुकी है, जिसमें टॉप टू टीमों के बीच पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। आज के इस मुकाबले में जो टीम बाजी मारेगी वह सीधा फाइनल में एंट्री कर जाएगी और जो टीम हार जाएगी उसे एलिमिनेटर मुकाबले में जीतने वाली टीम से एक बार फिर से लड़ने का चांस मिलेगा। केकेआर और हैदराबाद के बीच आज शाम को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करारी टक्कर होने वाली है। हैदराबाद टीम के पास जहां अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासेन जैसे घातक बल्लेबाज मौजूद हैं, तो वहीं पर केकेआर के पास सुनील नारायण, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल जैसे विस्फोटक खिलाड़ी टीम में शामिल है। अभी तक दोनों टीमें 26 मुकाबले में आमने सामने हो चुकी है, जिसमें हैदराबाद की टीम सिर्फ 9 मुकाबले ही जीत पाए है। केकेआर 17 मुकाबले में बाजी मारी है। इस आंकड़े के हिसाब से तो केकेआर का पलड़ा हैदराबाद के ऊपर काफी ज्यादा भारी रहने वाला है। लेकिन जैसा कि आप सभी ने देखा कि इस सीजन में हैदराबाद की टीम जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रही है, मुझे तो नहीं लगता कि केकेआर इतना भारी पड़ेगी। आज शाम को होने वाले मुकाबले में मौसम का क्या हाल रहेगा, आइए जान लेते हैं। मौसम विभाग के अनुसार मिली जानकारी के मुताबिक आज शाम को मौसम बिल्कुल भी साफ रहेगा, बारिश होने की कोई भी आशंका नहीं है और हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि केकेआर और हैदराबाद के बीच रोमांचक महामुकाबला खेला जाए। और अगर अचानक से मैदान में बारिश होती भी है तो केकेआर का नेट रन रेट अधिक होने के कारण उन्हें फाइनल में जगह मिल सकती है। तो आइए दोस्तों, अब आपका बिना ज्यादा वक्त लिए आपको बताते हैं कि आज की पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की क्या रहने वाली है फाइनल प्लेइंग 11। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने किन 11 भूखे शेरों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है? हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने किन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं जो मैदान में तबाही मचा देंगे, आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ट्रेविस हेड और सुनील नारायण में से कौन सबसे घातक ओपनर बल्लेबाज है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको हैदराबाद टीम की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में बता देते हैं। हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने दो विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मैदान में उतरेंगे। पावर प्ले में ये दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं। अगर ये दोनों ही खिलाड़ी मैदान में सेट हो गए तो पावर प्ले में ही इतना रन बना देते हैं कि सामने वाली टीम के अंदर दहशत का माहौल बन जाता है। अभिषेक और ट्रेविस हेड दोनों ही बल्लेबाज शानदार लय में चल रहे हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी खिलाड़ी चल जाता है तो हैदराबाद एक बड़े टारगेट तक आराम से पहुंच सकती है। पावर प्ले में इन दोनों ही खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर रहता है, जबकि इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर कप्तान पैट कमिंस ने धाकड़ खिलाड़ी एडन माक्रम को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए माक्रम का प्रदर्शन काफी लाजवाब है। सेमीफाइनल मुकाबले में इनके बल्ले से ज्यादा रन निकलना बहुत ही जरूरी है। मिडिल ऑर्डर में अगर इनका योगदान मिलेगा तो डेफिनेटली हैदराबाद फाइनल मुकाबले में जगह बना ही लेगी। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पर कप्तान पैट कमिंस ने ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश रेड्डी को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। आईपीएल की इस सीजन में नीतीश का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, दोनों ही पक्ष से भरपूर योगदान देते हैं।
जब भी इन्हें मौका मिलता है अपने बल्ले से ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं और गेंदबाजी में भी कमाल का खेल दिखाते हैं। जबकि इसके बाद दोस्तों पांचवें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरी क्लासेन मैदान में उतरेंगे। क्लासेन के बारे में आप सभी को क्या ही बताएं, आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं। क्लासेन मिडिल ऑर्डर में आकर हैदराबाद को बहुत मजबूती प्रदान करते हैं। साल 2023 से लेकर अभी तक के सीजन में क्लासेन मिडिल ऑर्डर में हैदराबाद के लिए सबसे फिट खिलाड़ी साबित हुए हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर लंबे लंबे छक्के और चौके लगाने के लिए क्लासेन टीम में शामिल किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों छठे नंबर पर युवा बल्लेबाज अब्दुल समद को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला है। आईपीएल के इस सीजन में हालांकि समद को ज्यादा मौके खेलने के लिए ही नहीं मिले, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने इस कदर मुकाबले में तबाही मचा देते हैं कि लोअर ऑर्डर के बैट्समैन की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो वहीं पर दोस्तों सातवें नंबर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शहबाज अहमद को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला है। शहबाज बल्ले और गेंद से काफी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। इसके बाद दोस्तों आठवें नंबर पर सनवीर सिंह को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला है। तो वहीं पर दोस्तों तेज गेंदबाजी यूनिट की बात करें तो हैदराबाद की तरफ से पेश गेंदबाजी कप्तान पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन संभालेंगे। तीनों ही गेंदबाज बहुत ही घातक अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं, खास करके भुवनेश्वर कुमार चार ओवर के स्पेल में कमाल की गेंदबाजी करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको श्रेयस अय्यर की टीम केकेआर की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में बताते हैं। दोस्तों केकेआर की तरफ से ओपनिंग के लिए विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज सुनील नारायण के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज मैदान में उतरेंगे। जी हां दोस्तों, फिल साल्ट इंग्लैंड वापस जा चुके हैं तो उनकी जगह पर गुरबाज को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला है। दोनों ही खिलाड़ी काफी शानदार अंदाज में ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाते हैं। जबकि इसके बाद दोस्तों नंबर तीन पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने वेंकटेश अय्यर को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। वेंकटेश मिडिल ऑर्डर में आकर काफी अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर चार पर कप्तान श्रेयस अय्यर स्वयं बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये सेमीफाइनल मुकाबला है तो इनके बल्ले से रन निकालना बहुत महत्वपूर्ण होगा। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस को अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी संभाली पड़ेगी। तो वहीं पर दोस्तों पांचवें नंबर पर फिनिशर बल्लेबाजी रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, जो कि डेथ ओवर के सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। इसके बाद दोस्तों छठे नंबर पर वेस्टइंडीज के घातक ऑलराउंडर आंद्रे रसल को प्लेइंग 11 में खेलने के लिए शामिल किया गया है। नॉकआउट मुकाबले में रसल का प्रदर्शन बहुत ही कमाल का है। तो इसके बाद दोस्तों सातवें नंबर पर रमनदीप सिंह को प्लेइंग 11 में जगह मिली है। आठवें नंबर पर अनुकूल राय को शामिल किया गया है, जबकि स्पिन गेंदबाजी के लिए वरुण चक्रवर्ती टीम में लिए गए हैं। तो वहीं पर तेज गेंदबाजी यूनिट की कमान मिचेल स्टॉक और हर्षित राणा संभालेंगे। तो दोस्तों ये रही केकेआर और हैदराबाद दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, आज के होने वाले इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतने वाली है कमेंट में जरूर बताएगा, और आप किन किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में देखना चाहते थे उसे भी जरूर कमेंट में बताएगा।